हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना होस्ट हिंदोज डॉक्टर दीपक अडवाणी और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस पर। एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। एक होम्योपैथिक बहुत ही बेहतरीन बहुपयोगी मेडिसिन है ग्रैंडिलिया रोबस्टा, इसका कॉमन नेम होता है रॉजिन वुड। के बारे में मैं डिटेल रिव्यू देने जा रहा हूं, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में, तो स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। आपको अगर पसंद आता है तो ही लाइक एंड शेयर कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो आपको उसी के द्वारा मिल पाएंगे। और पूरी प्लेलिस्ट भी आप लोग चेक कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद, वहां पर भी बेनिफिशियल वीडियोज बने हुए हैं डिजीज एंड मेडिसिन के रिगार्डिंग। तो चलिए आज बात कर लेते हैं हम लोग ग्रैंडिलिया रोबस्टा रॉजिन वुड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, एक प्लांट स्पीसीज या पौधा होता है जो कि साउथर्न वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में आपको कल्टीवेशन होता हुआ एक प्लांट दिख जाएगा। हल्का पीले रंग का पौधा होता है जिसकी पत्तियां जो होती हैं ब्रॉड होती हैं और डार्क ग्रीन कलर का, ज्यादा लंबा पौधा तो नहीं कह सकता, छोटा ही पौधा होता है। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू बात कर ले तो इसका जो फ्लावरिंग टॉप है और पत्तियां हैं वो ही होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसके मैं दिखा देता हूँ ग्रैंडिलिया रोबस्टा, इस तरह की ये होम्योपैथिक ग्रैंडिलिया रोबस्टा पोटेंसी में है। ये देखिए पोटेंसी और मदर टिंक्चर दोनों में ही इसका जो फ्लावरिंग टॉप और पत्तियां हैं वो उपयोग में लिया जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन उपयोग में देखा जाता है। अब इसके जो मेन कीनोट सिम्टम है किस डिजीज में यूज किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको बता दूंगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर इसका बहुत ही बेहतरीन प्रभाव देखा जाता है ग्रैंडिलिया रोबस्टा में। किस तरह से वो देखिए, क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकियल स्पैज्मोडिक कफ, ऐसा कफ या ऐसी खांसी जिसके अंदर पेशेंट खांसता रहता है और उसे कफ निकालने में या बलगम निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बैठकर खांसता रहेगा तो कफ निकलने के बाद उसे आराम मिलेगा, बट जैसे ही पेशेंट लेटता है लाइंग डाउन कंडीशन में बिस्तर पर जैसे लेटेगा तो उसे सांस नहीं आएगी, ऐसा लगेगा कि छाती पर भार रख दिया है और अचानक से उसकी डेथ हो सकती है। और जैसे ही उठकर बैठेगा तो खांसी में भी आराम लगेगा और कफ निकलने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है जो पेशेंट की, वो एकदम से स्टॉप हो जाती है। चाइनीज को रेस्पिरेशन का सामना करना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को, खांस खांस के इतना परेशान है, इतना इरिटेट हो जाता है पेशेंट, इसके अंदर प्रोफ्यूस पर्निशियस कफ निकलता है, बहुत बलगम निकालने में भी सफोकेटिव कफ कह सकते हैं, बहुत परेशानी होती है पेशेंट्स को। इसके अंदर पेशेंट को स्प्लीनिक अफेक्शन भी होता है, जो तिल्ली है पेशेंट की वो भी बढ़ जाती है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर पीछे की साइड में पसलियों के साइड में पेन होने लगता है खांसते खांसते। इस तरह के पेशेंट्स में कंप्लेंट्स या सिम्टम्स आने लगते हैं। क्रॉनिक मलेरियल इन्फेक्शन के अंदर भी बहुत उपयोगी मेडिसिन साबित होती है। और स्किन की एक बात कर लूं तो हर्पीस जोस्टर, आप लोगों ने इस डिजीज का नाम जरूर सुना होगा, उसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। हर्पीस जोस्टर के अंदर थेरेप्यूटिक इंडिकेशन में भी ग्रैंडिलिया रोबस्टा जो है उसका उपयोग बहुत अच्छे रूप से किया जाता है। बट बेसिकली ये जान लें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है हमारा, अस्थमेटिक कफ कह लीजिए या क्रॉनिक अस्थमेटिक कफ या स्पाज्मोडिक कफ, ऐसा कफ जिसके अंदर पेशेंट को सांस नहीं आती है, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन होती है, साहियां लेता रहता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कफ निकलने के बाद ही आराम पड़ता है, छाती में गड़गड़ की आवाज होती है, सफोकेटिव कफ होता है, पेशेंट काफी परेशान और चिड़चिड़ा हो जाता है, तो इस कंडीशन में ग्रैंडिलिया रोबस्टा का मदर टिंचर आप उपयोग में ले सकते हैं। एक चौथाई कप गुनगुने पानी में 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम उपयोग में लेंगे तो आपको अच्छे जल देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं ये प्लांट स्पीसीज या प्लांट हर्बल मेडिसिन ग्रैंडिलिया रोबस्टा के बारे में जो भी इंडिकेशन देगा आप उसे संतुष्ट होंगे। अगर इसके अलावा आप उससे ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर चेक कीजिएगा, ईमेल आईडी अदर लिंक्स दिए गए वहां पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा होम्योपैथिक वाइंस पर, तब तक लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।